गया मुझे, ये तो बिलाल क्यूटो मिल गया। कैसे हैं आप? आपको बहुत से लोग याद कर रहे हैं, आप यूट्यूब भी नहीं चला रहे अपना? अभी काफी दिनों के बाद कुछ काम कर रही है। कितना अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब व्लॉग एंड अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह उठने के बाद नई सुबह के साथ और बातें करते करते चीनी थोड़ी ज़्यादा दल गई, मुझे ऐसा लगा था बट ऐसा हुआ नहीं। और सोचा कि उठ गई हूँ तो व्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ, बन सकता है व्लॉग तो क्यों ना व्लॉग बना लूँ। खैर व्लॉग बना रही हूँ और साथ साथ चाय भी बना रही हूँ, नाश्ता करना है। फिर भाई जा रहा है ज़ैनब के पास, मम्मा जाएंगी बाबा के साथ शाम में और मैं भी जाऊंगी फ़िलहाल मिलने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी। मैंने गलती से मुन्ने के साबुन से मुंह धो लिया, बड़े मज़े का है। तुम तो हो ही ऐसे। अच्छा, मुझे जवान की बेहद याद आ रही है क्योंकि सुबह उठते के साथ ही मैं उसको लेती हूँ, प्यार करती हूँ और बहुत याद आ रही है जवान की मुझे। ऐसा लग रहा है पत्ती कम डली, लेकिन सही है। मैं जा रही हूँ वॉशरूम, फ्रेश होंगी और फिर उसके बाद आज तैयारी भी करनी है निकलने की। गर्मी तो कमी नहीं हो पा रही। अच्छा पता नहीं यहाँ से क्या हो गया, मेरे पंखे को पंखा ही सही नहीं चल रहा है, सही करवाना पड़ेगा। तो घर समेटेंगे, घर का काम करेंगे, नाश्ता करेंगे और सब बज रहे सुबह के 10, तो बस सारे काम वाम निपटाने हैं और फिर उसके बाद तैयार व्यार होना है और निकलना भी है, तो चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, नाश्ता हम लोगों का डन हो चुका है और अब सब लग जाएंगे अपने अपने काम से। फारिस अपने काम से सोने के काम से लेट जाएगा, आयत अपने मोबाइल के काम से लग जाएगी। झाड़ू देती है वो। मैंने ठंडा पानी बनाया, क्या करेगी तू? आप ही ठंडा पानी बनाया। आप ही का जब काम का वक्त आता है आप ही को वॉशरूम आ जाता है और आप ही बस अब लेट जाएगी। अच्छा, तब 15 मिनट तक वॉशरूम में सिर्फ टक 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 कर रही होती है। अभी आप बेफिक्र रहिए, अब आप ही लेट जाएगी बस। टक टक क्या होता है? वॉशरूम मोबाइल कौन यूज करता है पहले ये बताओ। हर कोई यूज करता है अपना टाइम पास करने के लिए, तभी तुम इतना लेट निकलती हो, आधा आधा पौना पौना घंटा बाद। टांगे नहीं दुखती? 15 मिनट से आधा आधा पौना पौना इतना वजन लेके टांगों पर बैठे हुए दुखती नहीं है? मेरी टांगे, मेरा वजन, तुम्हें क्या है? सारा नहीं, वैसे वजन पड़ता होगा, सुननी पड़ जाती, सुन मेरी, सुन पड़ जाती है बेटा। सोते हुए तुम्हारा ना छुरी से काटूंगा, नेल कटर से तो कटते नहीं है। फिर तुम्हारे लिए कराए मैंने। चलो उठो, काम में लग जाओ अपने। जाओ किचन में जाओ, बर्तन धो। चलो सारे सारे आप चलो, चलो चलो चला सकते चलो आप चलो काम करें। मम्मा बोले बर्तन धोने का, किचन साफ करने का, आप जाएं। मम्मा अभी काफी दिनों के बाद कुछ काम कर रही है। कितना अच्छा लगता है ये बात। आप ही बाहर तक आ रहा है और ये हमारा देखे द HS अकेडमी का हमारा रिजल्ट है। ये पहले मेरा है, बस मेरा एक ही है, किसका? KG 1 का है। ये फारूस भाई का है, 6 का, 5 का और 4 का। तो हम पहले KG 1 से शुरू करेंगे। मैं शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, देखें काम नहीं कर रही है, रिजल्ट खोल के व्लॉग बना रही है बैठ के। बेटा मैं अपना काम कर चुकी हूँ, नहाने जा रही हूँ। 89 आए थे, ये बना था। Is working well with her and she is a student, best of luck. और इसमें मैं आई थी A+8 और इसमें क्या है? कुछ नहीं है। अब आती है फारिस भाई की, जिस लोग जिसकी आप लोग बहुत तारीफ करते हैं। फारिस भाई का फोल्ड रिजल्ट देखते हैं पहले। दूसरा 36, चलो पड़ा तो ख़त्म। ये 5 से है, 5 का 34, फारिस का रिजल्ट 34 5 में और 6 में 33, इसमें 39। बढ़ते जा रहे हैं भाई, बढ़ते जा रहे हैं। ये तो मेरा 50। इन दो रिजल्ट में फारदा को प्रमोट करा था। अब बताएं पढ़ने में बेस्ट कौन है ज़्यादा? फारदा का नर्सरी KG 1 का रिजल्ट भी ऐसी है और दुआ आपका रिजल्ट है ही नहीं क्योंकि
बापी ने मेरे इधर फाड़ के चला दिया था। बापी का काम देखो जरा, दीवारों का कलर भी उतार दिया उसने झाड़ू मार मार के। कैसे हैं आप? जी ठीक। आपको बहुत से लोग याद कर रहे हैं, आप यूट्यूब भी नहीं चला रहे अपना? नहीं, मेरे चैनल है, अभी नहीं कर रहा हूँ इससे। अच्छा, अभी कर रहे हो? कौन सा चैनल है? बीसी वर्सल के नाम। बीसी मतलब बिलाल क्यूटो, तो मतलब डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म, इतना शॉर्ट फॉर्म बीसी। समझ रहे हो ना? सही सही सही। गाइस जाएं आप लोग बिलाल के न्यू चैनल पे, जाकर शुक्रिया कश्यप भाई जी। हाँ कोई बात नहीं बिलाल भैया, कोई बात नहीं बिलाल भैया, आपको लोग सब्सक्राइब कर देंगे, आप टेंशन ना लें। शुक्रिया, अगर आपकी दुआ है हमारे साथ। नहीं नहीं, मेरी दुआ किसी के साथ नहीं होती, मेरी दुआ सिर्फ अपने साथ होती है। ये रही ना दुआ हमारे सामने बैठी हुई है ना, वो रही। बस मैंने सोच लिया है, अब मैं एहसन भाई जैसा ढूंढ लूंगी, जहाँ ढूंढूंगी। हाँ डन हो गया हर चीज में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस किसी की नजर ना लगे, सबने देख के माशाल्लाह बोलना है। वाह एहसन भाई वाह, माशाल्लाह, बस आप ऐसे ही रहिएगा लाइफ टाइम, चेंज में तो होइएगा। ठीक है, ठीक है, उसके नेल्स और ऊपर से आते हैं। हंसी नहीं आई मुझे तुम्हारी हंसी पे, सिर्फ लोगों को मेरी हंसी पे आती है, तुम्हारी हंसी पे नहीं आती। मत करो ये जुल्म, मत करो, नहीं आ रही। उसामा बहुत ज्यादा ठरकी है अभी मुझ पे लाइन मारा। उसामा मतलब तुम्हारा रुझान और होता जा रहा है। जब लड़कियां नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे, मजबूर। मतलब लड़कियां ना मिलेंगे तो कोई ना कोई चाहिए ना। हमारा बिलाल है इतना क्यूट कि लड़कियां देख के दीवानी हो जाती हैं। ये इसका नाम है बीसी, और ये बीसी जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं करो नहीं करो, बीसी बीसी यहाँ पे एक से एक नमूने पार जाते हैं गाइस। फाइनली फाइनली मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं बिलाल क्यूटू को बहुत बेपनाह चाहती हूँ। जो बात है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट तुम तो मुझे क्या अच्छा लगता है? एज अ क्या अच्छा, एज अ फ्यूचर सलमान खान। फ्यूचर क्या, फ्यूचर में तुम मुझे क्या बनाना चाहते हो? तुम मुझे जो बना लो, क्लोज फ्रेंड्स पांच फुट का गैप, मतलब मेरे साथ अपने आर आर घंटे रहोगे? नहीं ये आप बहुत अच्छी। अच्छा बहुत प्यार करेगा इशारा। असल में पता है क्या, इंसान ये है कि जिनसे आप प्यार करते हो उनसे शादी नहीं करनी चाहिए। अब मैं चाह रही हूँ कि आपकी हर चीज कैप्चर हो जाए इसके अंदर। लाइन कब मारी मैंने बिलाल आपको? लाइन नहीं मारी, मैं खुली ऑफर दे रही थी यार आपको, क्या बात कर रही है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है वो। दुआ किधर है? घुटने झुक रहा है। दुआ किधर है? फोन पे प्रपोज करो यार, चलो बिलाल को। हां बिलाल को प्रपोज करो, उठ के प्रपोज करो। मजा आता है बिलाल प्रपोज कर रहा है तो ठीक है। बिलाल प्रपोज कर दो, बिलाल आप करो ना, आप उससे प्यार करती हूं। ओ अब कर भाई, आप यहां बैठ जाओ ना बिलाल, वो कैमरे में आ नहीं रहे हो सही से। बिलाल बैठो, नहीं कश्यप इतनी आराम से वो हार तो मंगवा, तेज बोलो हार तो मंगवा। हां
थोड़ा फील लाओ, फील। आप ये बिलाल को पहनाओ, हाँ बिलाल को पहनाओ, मैं जो बोलूंगा वो होगा, ठीक है बिलाल पहन लो। अच्छा बिलाल आपको पहनाता है ये बिलाल आपको पहनाता है। यार लेकिन बिलाल ने मुझे बहन बनाया, इसका सदमा मुझे आप रहेगा। आप बहन नहीं, आप दोस्त हैं। जल्दी जल्दी करो, जल्दी बनाओ फ्रेंड। क्या मेरा पूरा समय दूंगी ना? क्या बनने हैं आपको बताएं? क्या बनने हैं? दोस्ती के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूं बस। कसम लाल पागल है यार, कसम से पागल है, बहुत बड़ा पागल है। क्या पागल है? पागल है यार, कॉमेडी कर रही है। नहीं वो कॉमेडी कर रही है। नहीं यार एक बात बता, कॉमेडी करके बिलाल बना रही होगी? पागल है लाल। आहा बहुत चंगा ना मैं। और ये हम लोग बैठे हुए हैं और खाने की फुल तैयारी जोरो शोर पे चल रही है। अल्लाह बिल्लू को भूख लग रही है, बिल्लू ले ना खाए ना। मैं तो अपना चाउमिन जो मैंने मंगाया मैं उठा लूंगी, थोड़ा शरोद मेरे हाथ तक दे दो। सो गाइस फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। मैं घर से निकली थी कितने बजे, मैं निकली थी 6 बजे घर से निकली थी और घर इतना लेट आई हूँ कि मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। मुझे एक शूट था, काम था, वहाँ चली गई थी और मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि जल्दी जल्दी में निकली थी। लेकिन वहाँ पर गई तो वहाँ पे जो हमने फ़न किया, मैंने उसके BTS वगैरह बनाया और तफरी वगैरह बनाई। तो मम्मा मेरे इंतज़ार में बैठी हुई थी, अभी तक मम्मा जाग रही है। खैर मैं फ़्रेश व्रेश हुई, कपड़े वपड़े मैंने चेंज करे, फ्रेश हो गई मैं अब, और बस अब नींद आ रही क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि गाड़ी में खुद ड्राइव करती हूँ तो इस वजह से बाहर की चीज़ें भी देखनी होती हैं, फिर घर पे भी। बस घर पे मैं जल्दी जल्दी नहा धो के मैं निकल गई थी जल्दी जल्दी, जैसे तैसे करके। गाड़ी ड्राइव करते हुए मुझसे व्लॉग नहीं बनता, कोशिश करके थोड़ा बहुत बना भी लेती हूँ लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि फोकस ड्राइव पे करूँ क्योंकि बुरा वक्त आते टाइम नहीं लगता। लेकिन आज मुझे एक बात का बहुत एहसास हुआ, वो ये हुआ कि मैं जब बाहर गई तो मेरा माइंड बहुत फ्रेश हो गया। और मैं फिर जब घर आई ना तो मुझे ये एहसास हुआ यार इंसान चला जाता है और इंसान अपनी लाइफ में वापस मगन हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बस इंसान को इंसान के जाने के बाद जो है उसकी जो है वो 3 दिन तक उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है, फिर 1 हफ्ते तक, फिर 1 हफ्ते से 1 महीना, फिर 1 महीने से वो 3 महीने पर चला जाता है, 3 से 6, 6 से 1 साल, फिर 1 साल के बाद जब बरसी होती है तब याद आती है, फिर उसके बाद 10 साल बाद याद आती है। मतलब वक्त के साथ साथ टाइम बढ़ता रहता है और फिर सालों बाद याद आती है बहुत। कल जैनब की अम्मी का सोयम है, कल जैनब की तीसरा दिन है, कल जैनब की अम्मी को 3रा दिन हो जाएगा। गुजर गए दिन ऐसे ही गुजर गए, पता ही नहीं चला 3 दिन गुजर गए। अच्छा बहुत सारे कमेंट्स ये थे कि वो बिल्कुल ठीक थी, उन्हें क्या हुआ अचानक, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। और जैनब की शादी भी और भाई की शादी इतनी जल्दी नहीं होती, शादी भी इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी में हुई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी लेकिन उनकी बीमारी पता नहीं चल रही थी। ठीक है उनकी बीमारी क्या हुई है, मतलब उनको क्या हुआ है नहीं पता चल रहा था। खैर फिर उसके बाद ये सीन हुआ, फिर जब हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर ICU नहीं मिल रहा था, सारे जो है वो थे फुल थे। तो बस मौत जब इंसान की लिखी होती है तो कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर लें, आकर ही रहती है। और सुबह हो चुकी है, आप ये देखें, मतलब आज मुझे बहुत लेट हो गया, मैं इतना थक गई, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि बस बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब मैं व्लॉग यहाँ बंद कर रही हूँ। और कोई भी आप लोगों को मुझे सवाल हुआ करे, आप लोग कॉमेंट्स में पूछा करें, ये सवाल आप लोगों ने किए हुए थे तो मैंने उसका जवाब दे दिया। आप लोग को कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, कॉमेंट्स में पूछ लिया करें।